चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय मैंने क्या शुरू किया, कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या पढ़ रखा था। तो सारे बच्चों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से परिमेय संख्या सिखाया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके परिमेय संख्या से सॉल्व हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है, तो हमें क्या पता होना चाहिए। मैंने आपको तीन चीजें बताया था, चलो एक बार रिवीजन कराता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, मैंने परिमेय संख्या पहचानने के लिए आपको तीन चीजें सिखाया था। जैसे कि ये मान लो रेशनल नंबर पहचानने के तीन तरीका, तीन शर्तें सिखाई थी। पहला शर्त कि वो किस रूप में होना चाहिए, वो पी बटा क्यू रूप में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि पी और क्यू, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए कि क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो तीन इम्पोर्टेंट पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो इसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था जो कि आपको घर से बना के लाना था। चलो हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और होमवर्क हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा तब क्वेश्चन नंबर टाइप करना, नहीं टाइप करना, अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन में टाइप करना, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलो तो प्रश्न वाली 22.1, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर चार, 22.1 क्वेश्चन नंबर एक दो तीन चार। अच्छा, तीन में डाउट है, चलो और किस बच्चे किस में डाउट है किसी को, चलो तीन जो क्वेश्चन नंबर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को तीन नंबर, दो में भी डाउट है, चलो दो तीन दोनों बताते हैं, दो तीन चार तीनों में डाउट है, चलो दो तीन चार तीनों बता दें। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बताते हैं दो नंबर, दो नंबर वाले सवाल क्या आपका, दो नंबर है 0/1, दो नंबर वाली सवाल है 0/1 क्या हमारी परिमेय संख्या है क्या, चलो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करना होता है हमें, बहुत ही आसान है, 0/1 है, देखो पहले क्या पी बटा क्यू के रूप में है, तो बोलेंगे हाँ ये पी बटा क्यू के रूप में है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि पी का मान क्या है, जीरो, और क्यू का मान क्या है, वन, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे क्या है, पूर्णांक। और तीसरा सबसे इंपोर्टेंट नीचे वाला जो होना चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से अगर यहाँ देखोगे, यहाँ क्यू का मान क्या है, वन के बराबर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्यू का मान क्या हो गया, जीरो के बराबर नहीं है। इस प्रकार आप बोल सकते हो कि 0/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब तीनों कंडीशन या तीनों शर्तें लागू होता है तो हम बोलेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 0/1 परिमेय संख्या है, तो हमने देख लिया कि हाँ परिमेय संख्या यानी ये ऑप्शन जो है सही है ना। चलो ठीक, इसी प्रकार चलो ऑप्शन नंबर चार, -1/4 एक परिमेय संख्या नहीं है। चलो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या -1/4 एक परिमेय संख्या है या नहीं, चलो चेक कर लेता हूँ, ध्यान दो -1/4 इसको भी चेक करते हैं। चलो ठीक है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे -1/4, तो ये हो जाएगा आपके देखो p और ये हो जाएगा q। तो सबसे पहले आप देखोगे कि किस फॉर्म में, ये है आपका p बाई q के रूप में है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि p का मान क्या है, -1, और q का मान क्या है, q का मान 4, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है, क्योंकि एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या है तो एक ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है, दोनों के दोनों क्या है, हमारे पूर्णांक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि Q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखो Q का मान क्या है, 4, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, है ना। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि -1/4 एक परिमेय संख्या कैसा है, क्योंकि तीनों शर्त लागू हो रहा है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है,
लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है, क्या क्वेश्चन बोला है? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि -1/4 एक परिमेय संख्या नहीं है, जो कि गलत बोला है। हमने अभी सिद्ध किया क्या, ये एक परिमेय संख्या है, यानी ये कथन जो है गलत है, ये कथन जो है गलत है। तो अभी के लिए क्या करो, आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो, अभी के लिए क्या करो, आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। अभी के लिए क्या करो, आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। क्लियर है? चलो, ये हो गया 2 नंबर 4 नंबर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है 3 नंबर। 3 नंबर सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला, चलो ध्यान से देखें। क्वेश्चन बोल रहा है 0/0, इस बार बोला 0/0, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो, इसको भी उसी तरह चेक करो। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कि P के मान 0 और Q के मान क्या है, 0। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके हो गए पूर्णांक, क्योंकि शून्य क्या है, शून्य हमारा पूर्णांक होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखो Q का मान 0 के बराबर है। यहाँ से देख पा रहे हैं कि Q का मान क्या है, 0 के बराबर है, यानी ये कंडीशन जो है हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, ये शर्त लागू नहीं हो रहा है। इस प्रकार बोलेंगे 0/0 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब, चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है कि 0/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी सही लिखा है, यानी ये स्टेटमेंट सही है, ये कथन सही है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। है ना, आसान था ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलो इसी प्रकार अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न वाली 22.2। इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं। चलो क्या बोला है, 22.22 में, 22.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बताना है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याओं को चुने और उसको गोला बनाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना, अगर डाउट नहीं है तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखना है कि जो जो परिमेय संख्या है उसको नहीं चुना, उसको चुनना है, उसको गोला करना है। जो परिमेय संख्या नहीं उसको नहीं गोला करना है। ठीक है, अच्छा चलो एक किसी एक को बताते हैं, किसी एक को बताते हैं। देखो कंडीशन ध्यान दो, अगर नीचे डिनोमिनेटर मतलब हर जीरो होता है तो परिमेय संख्या नहीं होता है। देखो इसका हर जीरो है, ये परिमेय संख्या नहीं है, बाकी जीरो के नीचे कुछ नहीं दिखाया, एक है, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों हमारा परिमेय संख्या है। ठीक, उस प्रकार देखो यहाँ पे नीचे जीरो नहीं है तो यानी ये हमारा परिमेय संख्या है, इसमें नीचे जीरो नहीं तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन देखो इसमें नीचे जीरो हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं। इस प्रकार बनाया था। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? तो चलो यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में, यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक परिमेय संख्या की संक्रिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग, परिमेय संख्याओं पर संक्रिया। और संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, तो संक्रियाएं होती हैं आपका जोड़, घटाओ, गुना और भाग। संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, फिर सीखेंगे घटाओ, फिर सीखेंगे गुना, फिर सीखेंगे भाग। ठीक है, तो चलो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि आपको कुछ पूर्णांकों का मैंने जोड़ घटाव सिखाया था बहुत पहले, उसको मैं एक बार रिविजन कराया था ताकि उसका यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले, उसका क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलता माइनस या प्लस का 40 माइनस का 50 क्या मिलने वाला है, बताएंगे सर बच्चे? प्लस का 40 और माइनस का 50 हमें क्या प्राप्त होने वाला है,
चार ऑप्शन बताएंगे सर बच्चे, चार ऑप्शन बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, चीन के साथ उत्तर करना है आपको। चलो कुछ बच्चे 40 दे रहे, कुछ बच्चे 10 दे रहे, कुछ बच्चे -10, कुछ बच्चे +10। चलो मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे गलत करने वाले हैं। देखो मैंने आपको दो रूल लिखवाया था, पहला रूल लिखवाया था ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखवाया था कि जब अलग चिन्ह हो, जब भी अलग चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं, घटाना होता है और उसके बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है जब भी अलग चिन्ह होता है। और यही इसका उल्टा कि अगर समान चिन्ह हो तो क्या करना होता है, समान चिन्ह होगा तो इसको जोड़ना होगा और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होगा, जोड़ना होगा और बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होगा। दो चीजें मैंने सिखाया था, बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान दो। यहाँ पे देखेंगे अलग चिन्ह वाला है या समान चिन्ह, तो देखो एक जोड़ का है और एक घटाव का है, तो दोनों क्या अलग अलग चिन्ह का है। जब अलग अलग चिन्ह का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो अलग चिन्ह मतलब हमें घटानी पड़ेगी, तो चलो घटा देते हैं हम लोग, ध्यान दो घटाएंगे। तो घटाते किसे हैं, 12 से छोटा घटाते हैं, तो 50 में से 40 दिया क्या मिलेगा, 10। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ हम लोग यहाँ लिख दिए 10। अब देखो घटाने के बाद कौन सा काम होता है, घटाने के बाद होता है बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है, घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है। अब बताओ 40 बड़ा है या 50, तो आप बोलोगे सर 50 बड़ा, और 50 क्या है, कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का, तो इसके आगे हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह, ये हो गया माइनस का 10। क्लियर है। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल होगा, माइनस का 60 प्लस का 80 हमें क्या मिलने वाला है बताएंगे सर बच्चे, माइनस का 60 प्लस का 80 हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे सर बच्चे। हाँ ध्यान से करेंगे सर बच्चे उत्तर, हाँ बहुत बढ़िया रोशन लाल आपका आंसर सही, बहुत बढ़िया। दो ही चीज ध्यान देना, अलग चिन्ह घटा दो उसके बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, तो ध्यान देंगे देखो यहाँ पे अलग चिन्ह, एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या करेंगे घटा देंगे, 80 में से क्या करो 60 को घटा दो, क्या मिलेगा 20 रख दिए, उसके बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा दो, तो 60 और 80 में कौन बड़ा है, तो 80 बड़ा है और 80 का है कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे, प्लस का 60 प्लस का 20 क्या मिलेगा हमें बताएंगे सर बच्चे, चार ऑप्शन, प्लस का 60 प्लस का 20 हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, चीन के साथ उत्तर करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बच्चे कैमरा ऑन करके आंसर दिखा रहे हैं, सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका सम्मान चिन्ह, दोनों देखो प्लस प्लस का है, तो क्या करते हैं प्लस प्लस में जोड़ देते हैं, जोड़ो 60 प्लस 20 क्या हो जाएगा 80, हम यहाँ लिख दिए 80, और 80 के बाद इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह हो, इसमें से बड़ा कौन है 60 और 20 में बड़ा कौन है, तो 60 के आगे बड़ा प्लस है, तो प्लस बड़ा है, तो प्लस का हो गया 80। अब आता है चलो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, माइनस का 80 माइनस का 40 क्या मिलने वाला हमें बताएंगे सर बच्चे, माइनस का 80 और माइनस का 40 हमें क्या मिलने वाला है, बहुत मेंटल देखो, समान चिन्ह क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो एक है माइनस का 80 एक है माइनस 40, समान चिन्ह जोड़ दो, ये जो देखो 80 और ये हो जाएगा 40, 80 40 क्या हो गया 100 लिख दिए, और ये क्या है दोनों के दोनों समान चिन्ह, समान चिन्ह तो जोड़ देते हैं, फिर बड़ा पूर्णांक चिन्ह लगा दो, 80 और 40 में कौन बड़ा है, 80 और 40 में कौन बड़ा है, तो 80 बड़ा और 80 क्या है कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा दो, माइनस का 100। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर देंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर देंगे। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान सवाल था, है ना। चलो अब ये चीजें हम काहे क्यों सिखा रहे हैं आपको, इसलिए सिखा रहे हैं ताकि अभी हम लोग जब परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग करने वाले हैं तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि जब 7/8 और 5/3 को हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बताएंगे सर बच्चे, भिन्न का जोड़ तो सभी बच्चों ने सीखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। मैंने कुछ रॉन्ग किया क्या यहाँ पे, नहीं तो सही तो है,
कोई रंग नहीं किया, ठीक है। सामान्य चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं, उसको बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर करेंगे बताएंगे सर बच्चे, 7/8 और 5/3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे, जल्दीबाजी में उत्तर गलती होता है। हाँ आराम से कीजिए इसका उत्तर। चलो कुछ बच्चे आंसर सही कर, अगर कटने वाला हुआ तो कटा भी देंगे, अगर कटने वाला हुआ तो कटा भी देंगे। चलो दोनों तरीका सिखाएंगे आपको, शॉर्टकट तरीका भी सिखाएंगे आपको, लॉन्ग कट तरीका भी सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लॉन्ग कट तरीका जिसे बोलते हैं एलसीएम मेथड, लॉसा मेथड, पहले लॉसा सीख लेते हैं। सबसे पहले लॉसा में क्या करेंगे, 8/3 का लॉसा निकालेंगे। चलो निकालो 8/3 का लॉसा, लॉसा निकालेंगे 8/3 का, तो वो हो जाएगा सिंपली मल्टीप्लाई, 8×3 क्या मिल जाएगा 24, 30 के नीचे हो गया हमारे पास क्या 24। अब 8 का पहारा में 24 कितना बार में आता है, तो 8 के पहारा में 24 आता है 3 बार में, 3 यहाँ लिख दिए, बाकी ऊपर वाले गुना कर देते हैं, ऊपर वाले क्या 7, ऊपर वाले 7 को गुना कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब बताइए 3 के पहारा में 24 कितने बार में आता है, तो 3 के पहारा में 24 आता है 8 बार में, फिर 8 का गुना कर देते हैं हम ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है 5, ठीक है। चलो अब करते हैं गुना, 7×3 के साथ, तो 7×3=21, बीच में जोड़ है तो जोड़, 8×5=40/24, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, हो गया 1 और हो गया देखो 4×2=6, तो 61/24, तो ये क्या हो गया 61/24, ठीक। क्या ये कटने वाला है, तो ये नहीं कटने वाला है, तो अगर ये नहीं कटने वाला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 61/24। हाँ कुछ बच्चों का आंसर सही आने लगा, ठीक है। तो ये था हमारा लॉन्ग कट विधि, लॉसा विधि, ठीक है। हम इससे शॉर्टकट ट्रिक से भी बना सकते हैं, हम इसे शॉर्टकट ट्रिक से भी बना सकते हैं। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक भी इसका देख लेते हैं साथ के साथ हम, ठीक है। इसका चलो शॉर्टकट ट्रिक भी हम यहीं पे देख लेते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, चलो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक, बहुत ही सरल है शॉर्टकट ट्रिक भी। देखो 7/8 जोड़ 5/3, ठीक है। करना क्या है, बहुत ही आसान है, ध्यान दो, बटा लिख देते हैं। स्टार्टिंग कहां से करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम 7 से, स्टार्टिंग कहां से करते हैं हम 7 से, चलो 7 से स्टार्ट करो, तो 7 का गुना करते हैं हम 3 के साथ, ये हो जाएगा आपके पास 7×3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 30 हो जाएगा 7×3=21, बीच में जोड़ है तो जोड़ लिख दिए। फिर देखो यहाँ से तीसरा 5×3 करेंगे 8 के साथ, तो ये हो गया 8×5=40, फिर नीचे वाला गुना नीचे वाला के साथ, तो 8×3 के साथ, तो 8×3=24। अब जोड़ दो, ये मिलेगा हमारे पास देखो 1×4=26, तो देखो यहाँ से भी 61/24 और वहां से भी 61/24, तो इस प्रकार क्या आंसर है दोनों तरफ से 61/24। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, 61/24 ना कि 16/24, 61/24 है ना। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से आपको करना है, सिंपली आपको दोनों तरीके से बना सकते हो, जो आपको तरीका आसान लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। सिंपली भीन का जोर है, बट्टा का जोर है, ठीक है, सिंपली भीन का बट्टा का जोर है, ठीक है। चलो आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का उत्तर आ रहा है, ठीक है। ध्यान दो, दोनों तरीके से बना सकते हो आप, दोनों तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बहुत बराबर लिख देता हूँ ताकि आप इस प्रश्न को आसानी से बना पाओगे, 9/5 जोड़ 8/7, ठीक है। हाँ आराम से बना सकते हो आप इसको, छह बच्चे ने करते हैं, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, 7 बच्चे ने कर दिया, बहुत बढ़िया। दोनों तरीके से बना सकते हो आप, शॉर्टकट तरीके से बना सकते हो, लॉन्ग कट तरीके से बना सकते हो, रास्ता से बना सकते हो, और आपका शॉर्टकट एक जो क्रॉस मल्टीप्लाई है उससे भी बना सकते हो। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है, अभी तक मात्र 12 बच्चों ने किया है, उसमें से अधिकतर बच्चों ने उत्तर सही किया है, ठीक है। 13 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया,
ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 24 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 25 ने कर दिया, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, 32 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी करेंगे। देखो अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस थोड़ा कम हो जाएगी। दूसरी देखो अगर पोल सेक्शन में उत्तर करते हो ना, वो डेटा हमारे पास आता है, उससे हम क्या करते हैं ना, आपका डेटा एनालाइज करते हैं, हम ये पता कर पाते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग हो गया और कौन सा टॉपिक वीक हो गया, तो उसके हिसाब से हम रिविजन क्लास की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करना है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं 37 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक पोल सेक्शन में कर दिया है। अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं, जल्द से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया, वो बच्चे जाकर अब कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा देंगे। ठीक है, चलो। और जहां तक हम देख पा रहे, जैसे राजबाला नाम से बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने दिखा दिया। चलो 5 4 3 2 1। कमता कुशवाहा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, मुकेश कुमार, रोशन लाल, राजेश कुमार, राजबाला, हाँ सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलो और कोई बच्चा दिखाना चाहता है दिखा दो आप लोग। सेरोन, केटी सेरोन नाम से बच्चा जानकी है, इन्होंने भी बना लिया है, बहुत बढ़िया। राजेश कुमार नाम से जो बच्चा जान किया, आपका भी उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, सुभाष सुभाष नाम से बच्चा जान किया है, अमित वर्मा, कुलदीप सिंह, मतलब जितने बच्चे बनाए ना सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। चलो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो क्या करना है, दोनों तरीका, लसा भी लगा सकते हैं और शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं, दोनों तरीके से एक ही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो पहले हम लोग एलसीएम मेथड्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाले। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, नीचे वाला दोनों का, किसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम मतलब लसा किसका निकालेंगे, 5 और 7 का, तो वो क्या हो जाएगा, चलो गुना करते हैं, 5 का गुना 7 का क्या मिलेगा, 35। यहाँ हो गया हमारे पास 35। ठीक है, अब बताइए 5 का टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो 5 का टेबल यानी 5 का पहारा में 35 आएगा, 6 बार में 30 आता है, 7 बार में 35 आता है, 5 के टेबल में 7 बार में 35 आएगा। ठीक है, तो 5 7 35 7 बार में आया, और इस 7 को हम ऊपर वाला से गुना कर देंगे, ऊपर वाला हो गया 9। ठीक, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर 7 का पहारा में 35 कितने बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा, अब इसका गुना कर देंगे ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला हो गया 8। ठीक है, चलो अब गुना करते हैं, तो 7 9 63, फिर 8 5 40 बट्टा में हो गया 35। अब इसको जोड़ देते हैं, चलो बहुत ही आसान है। तो देखो 63 + 40 कितना हो जाएगा, 103 / 35। ये हो गया आपका लॉन्गर तरीका एलसीएम मेथड। ठीक है, ये आगे लॉन्गर तरीका। अब बहुत बच्चे सोचेंगे इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर मैंने इसको शॉर्टकट ट्रिक से बनाया था, सर बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने इसको शॉर्टकट ट्रिक से बनाया था। चलो देख लेते हैं आपका शॉर्टकट ट्रिक से भी यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो 9/5 + 8/7, तो ये हो जाएगा आपके पास, चलो बट्टा का बट्टा, ये हो गया 9 का पहारा 7 पहारा, 9 7 63 जोर का जोर, फिर 8 का टेबल 5 बार, तो 8 5 40, फिर नीचे गुना नीचे के साथ, तो 7 5 35, जोड़ देते हैं इसको 103/35, ये हो गया आपके पास 103/35। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, क्लियर है ना। चलो अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और सवाल आपके स्क्रीन पे है, और ये भी सवाल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में ही जाकर करना है। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछली
सवाल का उत्तर दिया था, ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आपको उत्तर करनी है। क्लियर है? चलो आराम से करेंगे। 13/2 + 17/8 चलो आराम से करेंगे, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और कहां करेंगे इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बच्चे इसका आंसर करें, ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से एलसीएम मेथड का यूज कीजिए या शॉर्टकट का यूज कीजिए, दोनों से आंसर सही आने वाला है। पहले तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि लसा मेथड मतलब एलसीएम मेथड का यूज कीजिए, लॉन्ग कट मेथड का यूज कीजिए, उससे आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से करेंगे, हाँ ध्यान से उत्तर कीजिए, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। लास्ट एक मिनट, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में। चलो ध्यान से करें, देखो अधिकतर बच्चों ने देखो शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में अधिकतर देखो नीचे वाला गुना कर दिया, लेकिन ऊपर वाला वो गुना नहीं किया, तिरछा तिरछे गुना नहीं किया, उसमें उन्होंने अधिकतर बच्चों ने गलत किया। ध्यान क्या देना था आपको कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कटने वाला हो तो कटाना भी था आपको। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों ने ये गलत किया, ध्यान से करेंगे। अब लासा मेथड का यूज कर लीजिए, वहां से आप सरलतापूर्वक बना सकते हो और आंसर सही कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों का गलत वहीं पे हुआ है कि उन्होंने क्या किया है, शॉर्टकट ट्रिक का उपयोग किया, ठीक है, या लासा का उपयोग किया, ठीक है, उन्होंने नीचे का गुना कर दिया, लेकिन ऊपर वाला वो तीर्था तिथि वो करना भूल गए, तीर्था तिथि में हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, जो भी आता है उसको अगर कटने वाला हो तो उसको कटा दीजिए, नहीं कटने वाला हो तो उसको रहने दीजिए, लेकिन मस्ट बोले यहाँ पे कटने वाला हो तो इसको कटा देंगे। ठीक है, चलो लास्ट थर्टी सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 15 सेकेंड जल्दी करेंगे सर बच्चे, आराम से करेंगे। हाँ जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, देखिए आप कुछ बच्चे इसका आंसर सही करने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो समझ जाके हमको कैसे करना है, अगर कटने वाला हो तो कटा भी देंगे। ठीक है, चलो अब आपका आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी करेंगे इसका उत्तर, कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1 चलो कुछ बच्चों को देख लेते हैं हम। चलो अमित वर्मा नाम से बच्चे जाएंगे, सिर्फ आपको आंसर लिखना नहीं है, आंसर लिखना नहीं है, गलत है। अमित वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, कमता कुशवाहा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हाँ ठीक है, नीचे वाला भी कटाना है। देखो कमता कुशवाहा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आपने तो ऊपर वाला कटा दिया, नीचे वाला भी आपको कटाना है, 2 से जब ऊपर वाला कटाया तो नीचे वाला भी तो कटाएगा, नीचे 2 से कटेगा 8 बन जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 69/8। बाकी आपने सही किया है, बाकी आपने सही किया है, चलो बाकी बच्चे दिखा देंगे।
हाँ सुनील कुमार नाम से बच्चे जिनके आपने सही किया, रोशना योर आंसर इज ऑल्सो राइट, अंजलि कुमारी, अमित वर्मा नाम से बच्चे जन बाबा आप टोटल बनाओ, सिर्फ आंसर नहीं लिखो आप, ठीक है टोटल बनाओ आप, ठीक है चलो मैं उनका चेक कर लेता हूँ, ठीक है हाँ मतलब क्या अधिकतर बच्चों ने ठीक किया है, थोड़ा सा सिर्फ गलत किया उन्होंने लास्ट में जो है ना नहीं कटाया है, ठीक है तो ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है चलो अधिकतर बच्चों को उत्तर सही था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम सॉल्व करते हैं ध्यान दो, देखो बहुत बढ़िया सॉल्व करते हैं, पहले हम एलसीएम मेथड सॉल्व करते हैं, पहले हम 2 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, 2 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, तो ये जगह देखो 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर जगह देखो 2 से, ये जगह 1 2 दूनी 4, चलो इसका लेते हैं लास्ट से हम लोग, ये जगह 2 गुने 2 गुने 2, ये जगह आपके पास कितना 8, ये जगह आपके पास कितना 8, क्योंकि 8, ठीक है चलो अब क्या करना है हमें इस 2 से 8 में भाग देना था, या देखना था कि 2 के पावर में 8 कितने बार में आता है, 2 के पावर में 8 चार बार में आता है, यानी हो गया 4 और ऊपर कितना ऊपर है 13, तो 4 का गुना कर दे 13 के साथ, बीच में जोड़ है तो जोड़ो कर दे, ठीक है अब 8 का पावर 8 करेंगे कितना बार में आएगा एक बार में, तो 1 का गुना कर दे किसके साथ ऊपर वाले साथ, 17 हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा देखो 13 चौका 52, बीच में जोड़ और 17 एकम 17 बट्टा हो गया आपके पास 8, जोड़ दो ये मिल गया आपके पास देखो 69/8, कौन सा उत्तर सही है ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, ये हो गया आपका कौन सा मेथड एलसीएम मेथड या लॉन्ग कट मेथड जो बोल दो, ठीक है चलो अब बहुत बच्चे क्या किए इसको शॉर्टकट तरीके से भी बनाए, तो चलो मैं इसका शॉर्टकट तरीके भी सिखा देता हूँ, देखो बहुत बच्चे इसको शॉर्टकट तरीके से बनाए, चलो शॉर्टकट तरीके भी सीख लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है 13/2 + 17/8, चलो इसका शॉर्टकट तरीके सीख लेते हैं, ठीक है ये हो जाएगा देखो क्या करना है हमें तीर चाहते थे, पहले करना है 13 का गुना 8 के साथ, 13 गुना जब 8 के साथ करोगे क्या मिलेगा चलो देख लेते हैं गुना करके, तो 13 8 हो जाएगा 104, यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना 104, बीच में जोड़ का है तो जोड़ कर देंगे, फिर क्या करना है 17 गुना 2 के साथ, तो 17 दुना हो जाएगा आपके पास 34, 17 दुना हो जाएगा 34, और फिर नीचे का गुना नीचे के साथ मतलब 2 का गुना 8 के साथ, तो 2 8 16, चलो जोड़ देते हैं इसको, चलो जोड़ते हैं आराम से इसको, आराम से जोड़ते हैं क्या हो जाएगा देखो 4 4 8 3 0 3 और 1 हो गया 1 बट्टा में हो गया 16, अब करो यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया, देखो यहाँ पे गलत कितना क्यों किया आपको दिखा होगा 138/16, क्या दिखा आपको 138/16, तो कुछ बच्चों ने देखा कि 16 एक ही ऑप्शन में, तो इसी हम ऑप्शन को मार देते हैं बी ऑप्शन, यहीं पे बहुत बच्चों ने गलत कर दिया है, ठीक है कुछ बच्चों ने देखा कि 16 नीचे है तो हम एक ही ऑप्शन में 16 है तो हम ऑप्शन बी कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है, आपको ध्यान क्या देना था, आपको ध्यान देना था कि अगर ये कटने वाला हो तो कटा भी देना है, जैसे मान लो 2 से 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, ये देखो 69/8, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन आपका ए जो है सही उत्तर होगा, ठीक है तो ये भी आपको ध्यान देना कि अगर कटने वाला होगा तो हमें कटा देना, क्लियर है चलो तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई कर देंगे, चलो यहां तक क्लियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही भी आ रहा था ना, चलो ठीक है चलो अब अगला क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, अगर मैं आपसे बोलूं कि -4/3 + 3/4 तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे मैंने अभी जो आपको सिखाया कि अगर अलग चिन्ह वाले होते हैं तो क्या करते हैं घटाते हैं फिर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, बाकी सब कंसेप्ट सेम, ठीक है चलो जल्दी करेंगे सर्वे चीज का उत्तर करेंगे, कहाँ करेंगे इसका उत्तर तो चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है चलो आराम से करेंगे कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका उत्तर कीजिए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो कुछ बच्चों ने आंसर सही कर दिया, ठीक है ध्यान से करेंगे, रोशन लाल बाबू देखो अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं ना कि जोड़ते हैं, अलग चिन्ह देखो अब एक बच्चे ने आंसर सही किया, चलो अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं ना कि जोड़ते हैं, चलो सिरोन नाम से बच्चे जानकारी आप दिखाना चाहते हो दिखा दो,
आपका हाँ ठीक, वो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर था, इस क्वेश्चन का आंसर दिखा दो, इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ ग्रेट, योर आंसर इज राइट, मैंने देख लिया आपका आंसर सही है, ठीक है। अधिकतर बच्चों का आंसर अलग, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखो क्या करना है, सिंपली आप शॉर्टकट मीटर लगाओ या लॉन्ग कट, दोनों से सेम आंसर आना है, ठीक है, ध्यान दो। तीसरा तीसरी, पहले इसको गुना इससे करेंगे, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, ये हो गया माइनस चार का गुना चार के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसका है कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो प्लस मान लो ये हो गया माइनस चार, इसका है कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो माइनस चार प्लस चार माइनस प्लस माइनस माइनस और चार चौका सोलह, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास देखो माइनस सोलह, बीच में प्लस का है तो प्लस। फिर क्या करना है, तीन का गुना तीन के साथ, तो तीन त्रिका नौ हो गया, ठीक है। बाकी नीचे वाला का गुना नीचे वाला के साथ, तो ये हो गया चार तियाई बारह, ठीक है। अब बताओ, देखो सबसे पहले आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए कि माइनस सोलह और प्लस नौ है, तो ये देखो आपकी अलग चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, अलग चिन्ह मतलब हम घटाएंगे, और घटाने के बाद क्या करते हैं, बारह पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, बारह पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, है ना। चलो तो अलग चिन्ह है तो घटा दो, तो क्या करेंगे, सोलह में से घटा दो नौ, तो सोलह में से नौ गया कितना बचेगा सात। अब सात का कौन सा चिन्ह बटेगा लगेगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक हो, इसमें से बड़ा कौन सा है, सोलह और नौ में कौन बड़ा है, तो सोलह बड़ा सोलह का कौन सा चिन्ह, माइनस तो माइनस लगा दो, ये हो जाएगा माइनस का सात बट्टा बारह, माइनस का सात बट्टा बारह। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीन शॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे, है ना, जल्द से इस पेज का स्क्रीन शॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। चलो इसी के जैसा एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, इसका आंसर कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो इसी के जैसा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है माइनस पंद्रह बट्टा चौदह और क्या है ग्यारह बट्टा सात, एलसीएम मेथड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान कहाँ देना है कि जब भी हमें अलग चिन्ह हो, अगर उसको जोड़ना है घटाना हो, तो हम क्या करना पड़ता है, अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं और बारह पूर्णांक का चिन्ह लगाते थे, ठीक है। चलो आपके पास दो मिनट का टाइम है, आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। देखो कुछ बच्चे जैसे हम लोग मैं जैसे पोल सेक्शन लॉन्च करता हूँ, कुछ बच्चे बिना बनाए उसको पोल सेक्शन आंसर कर देते हैं, वैसे नहीं करना, आपको बनाना है, थोड़ा सा टाइम लेना है, फिर आंसर करना है। अगर आप बिना बनाए आंसर करोगे तो उसमें क्या होगा कि आप अक्सर उत्तर गलत करोगे, ठीक है, तो ध्यान से करना है आपको इसका आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अब कुछ बच्चों का आंसर सही आने लगा, ठीक है, ध्यान से कीजिए। हमेशा ध्यान देना है कि बड़ा पूर्णांक, हाँ हमेशा ध्यान देना है कि बड़ा पूर्णांक होता है तो उसका चिन्ह लगाते हैं, अगर दो चिन्ह वाले हैं तो अलग चिन्ह हुआ तो घटाते हैं, घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। चलो पहले सात और चौदह का आप एलसीएम एलसीएम मेथड से बना सकते हो, सात चौदह का एलसीएम ले लो फिर बना दो, एलसीएम मेथड से बना दो, ध्यान से करेंगे। कुछ बच्चे इसका उत्तर गलत कर रहे हैं, ध्यान से करेंगे इसका उत्तर, क्वेश्चन बहुत ही आसान, ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न का आंसर। अगर अलग चिन्ह होता है, अगर अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं ना कि जोड़ते हैं, बार बार मैं एक ही रिपीट करता हूँ एक ही बात को, अगर अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं ना कि जोड़ते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए आप। देखिए अधिकतर बच्चों ने कहाँ गलत किया है, वहां गलत किया जहां भी मैंने बताया शुरू में कि अगर अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। देखो अलग मैं कहना क्या चाहता, चलो मैं थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलता, इसी क्वेश्चन में ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं आपसे ऐसे बोलता कि अगर हमें कहें ऐसे देखें,
कि मान लीजिए -30 और +22 दिखे, है ना, तब हमें दिख रहा है कि देखो ये क्या दिख रहा है, ये अलग चिन्ह दिख रहा है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो अलग चिन्ह है इसका मतलब क्या करेंगे हम घटाएंगे। अब बहुत बच्चों ने क्या किया, इसको जोड़ना स्टार्ट कर दिया, अलग चिन्ह को तो क्या करेंगे हम घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, घटाना मतलब क्या हो गया, 30 में से क्या घटना 22 घटाएंगे, कितना गया 7, तो मालूम मिल गया हमें 7। अब आई बात की 7 क्या है, कौन सा चिन्ह होगा, तो जो बड़ा पूर्णांक, और 30 और 22 में कौन बड़ा है, तो 30 बड़ा 30 क्या है, कौन सा चिन्ह, माइनस का, तो -7 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज हम सिखाना चाहते हैं और यही चीज आपको यहाँ पे आने वाला है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो आराम से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ध्यान दो, लास्ट 20 सेकेंड मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर सही कर पाओ। देखो सिंपली हमें क्या करना था, 14 और 7 का लसा निकालना था, तो निकाल लेते हैं 14 7 का लसा, तो 2 से कटेगा 2 से तो 14 7 का 7 हो गया, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7 7 एकम 7, ठीक है, तो लसा हो जाएगा आपका क्या 2 गुने 7, कितना गया 14, क्या हो गया आपके पास 14। अब क्या करना है आपको, देखो 14 का पहाड़ा में 14 कितना बार में आएगा, एक बार में, तो एक का गुना कर देंगे हम लोग किसके साथ, -15 के साथ, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 7 का भाग हम किसमें करेंगे 14 के साथ, कितना बार में आएगा दो बार में, ठीक है, 7 के बार में 14 कितना बार होता है दो बार में, आप 2 का गुना कर देंगे हम ऊपर वाले साथ 11, तो हमारे पास कितना मिलेगा -15 गुने 1 क्या हो जाएगा -15, और 11 गुने 2 कितना हो जाएगा 22, बट्टा हो गया आपके पास 14। अब ये हो जाएगा आपके पास देखो -15 और +22 -15 और +22, ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना था हमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट। तो हमने सिखाया क्या सिखाया, चल तो ध्यान देंगे, हमने सिखा देखो -15 + 22 हमने क्या सीखा कि अगर अलग चिन्ह हो तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो 22 में क्या करेंगे 15 को घटा दो क्या मिलेगा 7 मिलेगा, क्या मिलेगा 7 मिलेगा, तो चलो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बगल में, यहाँ पे मिल गया हमारे पास क्या 7। अब आई बात कि 7 का कौन सा चिन्ह होगा, तो जो बड़ा पूर्णांक हो, 15 और 22 में कौन बड़ा है 22, 22 का कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ हो गया प्लस का 7। तो यहीं पे अधिकतर बच्चों ने जो है गलत किया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या प्लस का 7, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस का 7 और नीचे क्या है 14। चलो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा देखो 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 1/2, और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कहाँ टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स में WY टाइप कर दीजिए, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में WY टाइप कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या उत्तर था इसका 1/2 जो है इसका सही उत्तर था, ठीक है, हाँ, अधिकतर बच्चों ने थोड़ा सा वहां पे गलत कर दिया था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इससे संबंधित करा देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे ऐसे बोलता कि -का 4/5 ले लेते हैं, तो ₹3/4 बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा, हाँ इसका आंसर बताएंगे सर बच्चे चैट उसमें, क्योंकि कुछ बच्चों ने वहां पे गलत किया, तो चलो इसी संबंधित हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आगे से इस प्रकार का प्रश्न जब भी पूछा जाए आप लोग गलत नहीं करें, है ना। चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, -का 5/2 + 3/4 हमें क्या प्राप्त होगा, चैट बॉक्स में बताना आपको, चैट बॉक्स में, ध्यान से करेंगे ध्यान से करेंगे, यही वहीं पे सारे सारे बच्चे वहीं पे गलत करें, कहाँ पे, जब भी अलग चिन्ह होता है तो हमें घटाकर बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है,
जब भी अलग चिन्ह होते हैं वहां पर घटा के हमको बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, चलो मैं समझ गया कहाँ पे सर बच्चों गलत हुआ। ठीक है, ध्यान दो, देखो करना क्या है, ध्यान दो, देखो सिंपली पहले इन दोनों गुना करते हैं, तो ये देखो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 20, बीच में जोड़ है तो जोड़ हो गया, फिर इन दोनों गुना करते हैं, चलो 3 दुनी हो गया 6, फिर नीचे वाला गुना नीचे वाला 7, तो ये हो गया 4 दुनी 8। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास देखो माइनस का 20 जोड़ 6, दोनों अलग चिन्ह वाले हैं, दोनों अलग चिन्ह, तो हमने सीखा है अलग चिन्ह तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। तो देखो एक माइनस में एक प्लस में घटाएंगे तो बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाएंगे, देखो क्या होगा, 20 में से 6 हो गया, क्या बचेगा बता दो, 14, यहाँ हो गया 14। अब बताओ 14 का कौन सा चिन्ह रहेगा, 14 का कौन सा चिन्ह रहेगा, चलो इसको नीचे लिख देता थोड़ा सा, 14 का कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो बड़ा पूर्णांक 20 बड़ा है 6, तो 20 बड़ा 20 का कौन सा चिन्ह, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे इसके आगे हो जाएगा माइनस का 14/8। अब कटा दो इसको, 2 से कटा दो, किससे कटेगा 2 से, तो 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, −7/4। क्लियर है, मतलब सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आया था। ठीक, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं तो कुछ बच्चे थोड़ा सा यहाँ गलत कर रहे हैं। हाँ देखो −14/8 एक बच्चे ने किया था, बहुत नहीं है, अंशुमन नाम बच्चे जन के आपने सही किया। ठीक है, चलो अगर कटाना, अगर कटने वाला हो तो कटाना भी होता है। ठीक है, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीन शॉट लेंगे और चैटबॉक्स में डबल वाइट कर देंगे, जल्द से इस पेज का स्क्रीन शॉट लेंगे और चैटबॉक्स पे आपको डबल वाई टाइप कर देना है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का आपका होमवर्क है 23.1 और 23.2, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।